78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में धूम है और इस अवसर पर उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने उत्तराखंड के सभी नागरिकों और उत्तराखंड पुलिस जवानों के लिए शुभकामना संदेश दिया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया और कहा कि राष्ट्र प्रेम में, राष्ट्र इतिहास में उत्तराखंड का भी योगदान रहा है। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हमें पुनः ये प्रण लेते हैं कि दोबारा ऐसी कोई परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होने देंगे जिससे हमारे देश पर कोई आ जाए। हम अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत मेरे सभी प्रिय साथियों और इस देव भूमि में निवासरत सभी सम्मानित नागरिकगण, सर्वप्रथम मैं आपको 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज ही के दिन सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और हम सभी जानते हैं कितने अनगिनत बलिदानों के बाद, कितने सैक्रिफाइसेस के बाद, कितने संघर्ष के बाद हमें अंग्रेज़ों से यह आज़ादी मिली थी और उत्तराखंड का उस स्वतंत्रता संग्राम में एक विशिष्ट योगदान रहा था। वीर चंद सिंह गढ़वाली जी, इसके अलावा अनेकों अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे विभिन्न आंदोलनों में जेल गए, प्राणों की आहुति दी और देश को आज़ाद करने में कंधे से कंधा मिला के पूरे बाकी सारे देश के साथ खड़े रहे। तो उत्तराखंड का राष्ट्र प्रेम में, हमारे राष्ट्र के इतिहास में और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है उसकी रक्षा करने में एक विशिष्ट योगदान रहा है। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज के दिन हम फिर से ना सिर्फ उस संघर्ष को याद करते हैं जिसके फलस्वरूप हमें आज़ादी मिली थी, पर पुनः एक प्रण लेते हैं कि हम दोबारा ऐसी परिस्थितियां, चाहे आंतरिक सुरक्षा को लेके, चाहे बाहरी सुरक्षा को लेके, ऐसी परिस्थितियां कभी नहीं पैदा होने देंगे जिसकी वजह से हमारी आज़ादी, ये जो हमें मिली है बड़े संघर्ष के बाद, ये पुनः खतरे में आए। और इस पावन पर्व के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन को आप सही भावना के साथ, राष्ट्र प्रेम की सही भावना के साथ अपने परिवार के साथ मनाएंगे और सभी उन वीरों के बलिदान को याद करेंगे जिनकी वजह से आज हमारा देश आज़ाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।